सब्सक्राइब कीजिए टारगेट पॉइंट चैनल को और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए सबसे पहले अपडेट पाने के लिए। फ्रेंड्स, वेलकम टू टारगेट पॉइंट। और इस वीडियो में देखेंगे भारत के राष्ट्रपति को याद करने की ट्रिक। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं ट्रिक। ट्रिक थोड़ी लेंथी है, मगर काफ़ी आसानी से आप इसको याद कर सकते हैं। अगर दो बार आप इसको पढ़ेंगे तो याद हो जाएगी। ट्रिक है, राजू की राधा जाकर गिरी फखरुद्दीन रेड्डी की जेल में, तब रमाशंकर नारायण की कलम से प्रतिभा निकली, प्रणव के साथ गोविंद चले। ये लाइन आपको याद रखनी है, दो बार में आप इस लाइन को याद कर सकते हैं। तो अब देखते हैं राजू। ठीक है, राजू से याद रखेंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे और दूसरी बार भी यही राष्ट्रपति बने थे, यानी कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद दो बार राष्ट्रपति बने हैं। इसके बाद देखते हैं राधा। राधा से याद रखेंगे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को, ये जो हैं तीसरे नंबर के राष्ट्रपति बने थे, यानी कि तीसरी बार जो राष्ट्रपति बने थे वो ये बने थे। दो बार इससे पहले राजेंद्र प्रसाद बन चुके थे और सबसे पहले उपराष्ट्रपति जो थे वो भी डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ही थे। इसके बाद जाकर से याद रखेंगे डॉक्टर जाकिर हुसैन को, ये प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति बने थे। इसके बाद देखेंगे गिरी, तो गिरी से याद रखेंगे बालागिरी वेंकट गिरी को, ये पाँचवें नंबर के राष्ट्रपति बने थे। इसके बाद देखते हैं फखरुद्दीन, तो फखरुद्दीन अली अहमद जो हैं वो छठे नंबर के राष्ट्रपति बने थे, यानी छठी बार जो राष्ट्रपति बने थे तो वो फखरुद्दीन अली अहमद बने थे। इसके बाद देखते हैं रेड्डी से याद रखेंगे नीलम संजीवा रेड्डी को, ये सातवें नंबर पर राष्ट्रपति बने थे। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट जेल, तो जेल से याद रखेंगे ज्ञानी जेल सिंह को। और यहाँ से क्वेश्चन और भी बन जाता है कि सबसे पहले बीटो पावर का यूज किसने किया था, बीटो पावर, तो ज्ञानी जेल सिंह ने सबसे पहले बीटो पावर का यूज किया था। अब रमा से याद रखेंगे रमाशंकर वेंकट रमन को, शंकर से आप याद कर सकते हैं डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा को, ये दसवें नंबर के राष्ट्रपति बने थे। इसके बाद आप नारायण से याद कर सकते हैं के आर नारायण को, और कलम से याद रख सकते हैं आप डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को, इनको तो कोई भूल ही नहीं सकता, 2002 में ही राष्ट्रपति बने थे और 2007 तक रहे थे और 2015 में इनका निधन हो गया था। इसके बाद प्रतिभा से आप याद कर सकते हैं प्रतिभा देवी सिंह पाटिल को, प्रणव से आप याद कर सकते हैं प्रणब मुखर्जी को, और कोविंद से आप याद कर सकते हैं रामनाथ कोविंद को, जो कि प्रेजेंट टाइम में है। दोस्तों, अगर ट्रिक पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ऐसी और अच्छी ट्रिक्स के लिए। थैंक यू सो मच।